अपनी माँ को डकन कौन बताएगा, सब अपना अपना वर्चस्व जमाएंगे। जब इनकी सरकार थी 19 में, जब हम बीजेपी जीती है 3 लाख से, तो अब की बार तो हम 6 लाख से जीतेंगे। हमारी सरकार है डबल इंजन की। लड़ने की बदबू आ रही है तो किराए के टट्टू है। तो मैं कुछ बोलूंगा तो मेरे खिलाफ कोई ना कुछ पंगा खड़ा करेंगे। आज के दिन ऐसा इंसान नहीं है जो गुनाहगार नहीं है। खत्म है कहानी कांग्रेस की, गठबंधन फट जाएगा। इस बार नहीं है, आजीवन बीजेपी रहेगी। की थोड़ा सा जातिवाद ज्यादा खा रही है। राजस्थान प्रदेश इन दिनों महापर्व बना रहा है लोकतंत्र का। लोकतंत्र का महापर्व यानी लोकसभा चुनाव नजदीक है। 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को 2 चरणों में चुनाव होने हैं, और जैसे ही चुनाव आयोग ने घोषणा की है, तारीखों का ऐलान किया है चुनाव की, उसी समय से लेकर लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी दावेदारी कर रही हैं। बात राजस्थान प्रदेश में 2 मुख्य पार्टियों की करें, राजनीतिक पार्टियों की, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी लगातार 10 सालों से राजस्थान में सत्ता में काबिज है लोकसभा चुनावों में, और मोदी के चेहरे पर उन्होंने वोट लिए हैं। इस बार भी लगातार कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा कि कहीं ना कहीं मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बार का चुनाव जो है वो बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। अगर बीजेपी कहीं ना कहीं मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाह रही है और चुनाव लड़ रही है, तो ये बीजेपी की सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन चलिए, हाल फिलहाल हम जा रहे हैं झुंझुनू शहर की ओर, जहां पर हम दिखाएंगे, व्यूज दिखाएंगे आपको कि पब्लिक का क्या रवैया है। पब्लिक का वो रवैया जो जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता भी होंगे, कांग्रेस के समर्थक भी होंगे और बीजेपी के समर्थक भी होंगे, जो आपस में एक दूसरे के पोल खोलेंगे। हम दिखाएंगे रोमांस, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आपस में तीखी नोकझोंक का वो वीडियो, वो रवैया जो आप देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नगरी मीडिया की टीम के साथ इस सुहाने सफर पे। राजस्थान प्रदेश इन दिनों महापर्व मना रहा है, यानी कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। 19 और 26 अप्रैल को 2 फेज में लोकसभा चुनाव होने हैं। हाल फिलहाल हम खड़े हैं झुंझुनू की जनता के पास। झुंझुनू की जो जनता है उसका रिव्यू लेने आए हैं यहाँ पे, किस प्रकार से वो जो लोकसभा चुनाव उसको देखती है, क्योंकि 1952 में पहली बार यहाँ से राधेश्याम मुरारका सांसद चुने गए थे। उसके बाद में लगातार जो चुनाव हैं उनमें हार जीत चलती रही है। हाल फिलहाल तमाम ये जो पब्लिक है, जनता जनार्दन है, मेरे साथ खड़ी है और लगातार जो अपना अपना रिव्यू है, चाहे बात बीजेपी की कर ले, बात चाहे कांग्रेस की कर ले, तमाम जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं वो उपभोक्ता हैं, या यूँ कहें मतदाता हैं, जो अपने मत का प्रयोग करके आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में यहाँ से दिल्ली भेजेंगे। सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, किस प्रकार देखते हैं, क्योंकि आपका जो कांग्रेस का वर्चस्व रहा है यहाँ पे हर बार, वो सेम वही रहेगा साहब, दूसरा नहीं सेम रहेगा। बीजेपी वाला जो है सुकर्ण चौधरी, सुकर्ण चौधरी को तो भयंकर मात मिलेगी यहाँ पर। कितने वोटों से? कम से कम 2 लाख वोटों से विजेंद्र वाला जीतेगा। लेकिन सुकर्ण चौधरी भी लगातार दावे कर रहा है। अभी विधानसभा चुनाव के अंदर उसका वर्चस्व खराब हो गया, उसको वोट नहीं मिलेंगे ज़्यादा। माली समाज का वोट नहीं मिलेगा, वो अभी चुनाव के अंदर बहुत बड़ी धांधली की थी उसने, उस वजह से। क्या धांधली की? वो हार के भी वो जितना चाहता था, फिर भी कितने 1 बजे तक पोलिंग बूथ पे बिठाए रखा पब्लिक को, गुंडागर्दी थी और क्या थी। बीजेपी वाले लगातार दावे कर रहे हैं कि इस बार 4 लाख वोटों से लगभग जीतने वाले हैं सुकर्ण। वो दावा तो देखो हर आदमी करता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन विजेंद्र वाला यहाँ से 2 लाख वोटों से कंफर्म जीतेगा। कौन अपनी माँ को डकन कौन बताएगा, सब अपना अपना वर्चस्व जमाएंगे। लेकिन असलियत यही है कि वो विजेंद्र वाला को हरा नहीं सकता। नरेंद्र मोदी भी आ चुके हैं राजस्थान प्रदेश में, योगी भी आ चुके हैं, तमाम जो बड़े कद्दावर नेता हैं केंद्रीय नेतृत्व, वो भी वहाँ पहुँच चुका है स्टार प्रचारकों में, तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा अपन जनता के दिलों में। देखो मोदी का वर्चस्व तो देश के अंदर है ही है, योगी का भी है, लेकिन झुंझुनू के अंदर उसका वर्चस्व नहीं गिरेगा। झुंझुनू में भी है सर मोदी का, ये दावे कर रहे हैं कि विजेंद्र वाला जीते। नहीं सर, विजेंद्र नहीं जीतेंगे, पिछले 10 साल से तो नहीं जीत रहे कांग्रेस, बीजेपी जीतेगी। एमएलए कौन है? एमएलए विजेंद्र वाला है। फर्क पड़ेगा सत्ता पक्ष का? पड़ेगा क्या सर, दोनों जो भी चुनाव इन्हीं को मोरा बना देते हैं, और भी तो है दिन में, जनता है इतनी, ये सब समझती है साहब। कैंडिडेट नहीं है क्या सर? 3 लाख की लीड से जीती थी यहाँ पर नरेंद्र जी, तो ज्यादा नहीं तो 1.5-2 लाख की लीड तो लेगा साहब। कौन लेगा? सुकर्ण चौधरी लेगा, बीजेपी से। बिल्कुल बीजेपी आएगी साहब। क्या विशेष कार्य है जो विकास कार्य आपके झुंझुनू को खटक रहे हैं? विकास कार्य क्या है, मोदी जी ने सब कुछ बढ़िया बढ़िया किया है। मोदी जी का ऑल वर्ल्ड में रिकॉर्ड हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा साहब? नहीं देखो, अपना दावा हर आदमी करता है, उसको हम नकार नहीं सकते। मैं कहता हूँ विजेंद्र वाला 2 लाख से जीतेगा, कहते हैं सुभकर्ण जी सुभकर्ण जीतेगा 2.5 लाख वोटों से, वो तो अपना आप आगे आ जाएगा। लेकिन सुभकर्ण के अलावा अगर कोई दूसरा कैंडिडेट आता तो 2-2.5 लाख से जीत सकता था। नहीं है जी, बात मोदी जी की है और मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी है, मैं बोलना चाहता हूँ आपको, ये कहना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि बात मोदी जी की है, पिछली बार अभी थोड़े दिनों पहले विधानसभा चुनाव हुए हैं कि मोदी जी की वजह से राजस्थान में बीजेपी सरकार आई है, लेकिन शेखावाटी के अंदर
शेखावाटी के अंदर पूरे के अंदर सिर्फ 3 सीट बीजेपी की आई है। शेखावाटी के अंदर कांग्रेस ही है, कांग्रेस रहेगी। अब विजेंद्र झुंझुनू जिले के अंदर, झुंझुनू के अंदर खास करके अब विजेंद्र ओला कम से कम 2 से 2.5 लाख लीड लेके जीतेंगे। खत्म हो गया वो बात, वो कांग्रेस वाली बात खत्म हो गई साहब। बड़े बड़े नेता ही टिकटों की जगह से दूसरी जगह भाग के टिकट ले रहे हैं। चुनाव में देश बचाना है तो मोदी लाना है, समझ गए आप? शेखावाटी की ये बात बोल रहे हैं। ये विजेंद्र जी थे 2000 के अंदर, 2000 के अंदर इनके ऊपर SOG इनको ढूंढने के लिए घूम रही थी माले सर, पुलिस इनके पीछे थी, एंटी करप्शन इनके पीछे था। इनको टिकट लेने वाला तो नहीं है कांग्रेस में, टिकट लौटा रहे बैरिंग जैसे, बैरिंग कागज देते थे पहले वो छुटवाते नहीं थे, वैसे ही वापिस टिकट लौटा रहे। इसको तो थोपाइए तो बोल रहा है मेरे को तो जबरदस्ती टिकट दी है साहब, मैं क्या करूं? अगर इनमें दम था गहलोत में तो अपने बेटे को सिरोही से क्यों उतारा इन्होंने, जोधपुर से क्यों नहीं चुनाव लड़वाया? विजेंद्र को टिकट क्यों नहीं दिया? कतार थी कि हम तो टिकट लड़ते हैं साहब। जब इनकी सरकार थी 19 में, जब हम बीजेपी जीती है 3 लाख से, तो अब की बार तो हम 6 लाख से जीतेंगे। हमारी सरकार है डबल इंजन की, चढ़ने की बदबू आ रही है तो किराए के टट्टो है। चार चार अजय गांव की चार चार गाड़ियों लगा के, गांव की चार चार गाड़ी लगा, मोदी को खा रहे, मोदी की बुराई करते हैं, मोदी के खाते हैं, मोदी की बुराई करते हैं। मोदी इनको क्या नहीं दिया, मकान इनको दिया, नाच इनको देते हैं, हर चीज देते हैं, सुविधा सब फैसिलिटी दे दी इनको। इनकी औरतें वोट देंगी 3 तलाक बेचारियों को, इन्होंने डिजिटल वाटर का एक गिलास समझ रखा था। 3 तलाक 3 तलाक मोदी आया तो उन औरतों का सम्मान बढ़ा है, वो घर में रहे नहीं, यहाँ बैठे ही फोन पर 3 तलाक। अरे क्या है ये 3 तलाक है? कोर्ट में मैटर उठा के देख लो, मुसलमानों से ज्यादा मैटर आपके मिलेंगे। कोर्ट के अंदर कोई वोट नहीं देगी, किसी की सत्यता बीजेपी किसी कंडीशन और कोई आना जाने नहीं है। विजेंद्र सिंह जैसे कोई बैर नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस को वोट दे रहा है वो देशद्रोह है मेरी नजर में, हमारी नजर में। तो हम तो कांग्रेस को देते हैं, कांग्रेस को देंगे, विजेंद्र जी को देंगे। 400 बार के नारे लग रहे हैं, 400 बार के नारे लगे, कोई मतलब नहीं है। अब की बार तो पिछली बार जितने लिए हैं, शेर का बच्चा है मोदी, शेर का बच्चा है मोदी, आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। झुंझुनू की कह रहे हैं, झुंझुनू कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस का क्या विश्वास भारती, देश धर्म ईमान बेच दे और कुर्सी खातर, ताजमहल और गंगा का मैदान बेच दे, कुर्सी खातर पूरा हिंदुस्तान बेच दे, पूरा हिंदू कुर्सी के लिए कुछ भी कर। ये बात तो मोदी के लिए भी कही जाती है, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन टेंडर दे दिए, सुविधा बढ़ाई है उसने मोदी ने, सुविधा कैसी। आज एयरपोर्ट, आज मेरी बात सुनिए, आज मेरी बात सुनो। अब एक अबू धाबी टापू था, एक हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का था वो, 67 के अंदर इंदिरा ने उसको लंका को दे दिया। इन्होंने चीन को कितनी जमीन दे दी, 42,000 किलोमीटर अक्षाई चीन दे दी, POK इन्होंने पाकिस्तान को दे दिया, क्या मतलब था? जब हिंदुस्तान का अभिन्न अंग था तो बात कहीं ना कहीं देश बेचने की हो रही है। जैसे कि आपने एक डायलॉग बोला अभी, उसमें बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मोदी का भी ने देश को बचाया, 5 अर्थव्यवस्था पर ला दिया। जब यहाँ कर्जा था, कोई हिंदुस्तान में बढ़ना नहीं चाहता था, सारे आ रहे हैं हिंदुस्तान। मनमोहन सिंह के राज में जब सरकार थी तब GDP बहुत तगड़ी थी। अजी मनमोहन सिंह कठपुतली प्रधानमंत्री था, लेकिन अर्थशास्त्री था, शानदार वो गिर गया। अर्थशास्त्री था वो जो वित्त मंत्री था, जब तक वो प्रधानमंत्री बनने के बाद बिल्कुल गिर गया, खत्म हो गया। जब उसका एक राहुल गांधी क्या था, महासचिव था एक, क्या हैसियत थी राहुल गांधी की, जो उसका अध्यादेश जो कैबिनेट का फैसला वो पाड़ की फेंकता, क्या क्या हैसियत थी राहुल की, मेरे को बताओ अब क्या हैसियत थी? क्या एक महासचिव था पार्टी का, वो प्रधानमंत्री से बड़ा है, कैबिनेट से बड़ा है। आज वो इसीलिए घूम रहा है, जब सेनापति भाग जाता है फौज को छोड़ के, फौज कहाँ लड़ेगी? अमेठी छोड़ के वो वायनाड भाग गया मुस्लिम लीग में, मर्द का बच्चा था तो अमेठी से लड़ता, पैतृक सीट है। कोई सोनिया गांधी पिछले दरवाजे से अंदर बढ़ गई। अभी क्या हो रहा है कि अभी फाइल आप लोग, इन लोगों की फाइल सब दबी हुई है कि इनके जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रही है। इस देश में क्या हो रहा है, जिसकी लाठी उसी की भैंस है। तो मैं कुछ बोलूंगा तो मेरे खिलाफ कोई ना कुछ पंगा खड़ा करेंगे। आज के दिन ऐसा इंसान नहीं है जो गुनाहगार नहीं है। गुनाह मैंने भी किया है, गुनाह आपने भी किया है। अब मेरे गुनाह के, इनके गुनाह के फाइल पे अभी वजन पड़ रहा है, हमारे गुनाहगार की फाइल पे वजन नहीं है, तो हम नंगे हो जाते हैं। गहलोत ने ये कहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उन्होंने कहा कि जो करप्टेड होते हैं वो बीजेपी जाते हैं, मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। हाँ तो सही है, तो ओपन है वो, तो खुली बात है। अब कांग्रेस की सरकार के मायने जहाँ तूड़ो भी के ना, भी हिसाब से पेपर भी के हैं,
यह बात कह रहे होती है। पेपर लीक को मामला समझ में आवा है, क्योंकि बीबी का दमपति तो कांग्रेस हार गई इस बार, तो साफ होगी कांग्रेस, पूरे हिंदुस्तान से साफ होगी कांग्रेस। पेपर लीक पेपर साहब, इतना आदमी आत्महत्या करी है, पढ़निया टाबर है, मेरा भी बच्चा पढ़े है, हर नंबर स्कूल का मायने, कोचिंग का मायने की एक ही दो नंबर से रहेगा हर परीक्षा का मायने। ई सरकार में जितनो पेपर बिकियो ना, जितनो कदे ही गुण बिकियो आई समझ, और पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस साफ। हाँ सर, कांग्रेस साफ एकदम, दो चार सीट आएंगी सर कांग्रेस की इंडिया में इस बार, खत्म है कहानी कांग्रेस की, गठबंधन पार जाएगा। लगातार वर्चस्व रहा है कांग्रेस का झुंझुनू में, तो सर कहाँ झुंझुनू में कहाँ से, जो वो भी सीट भी तो देखो आप, 25 की 25 सीट आएंगी। देखिए ये जनता है अपना अपना रिव्यू दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो यहाँ पे अपना अपना तर्क दे रहे हैं, तो कहीं ना लगता है कि इस बार टेढ़ी खीर साबित होने वाली से बात बीजेपी कर लें चुनाव में, या फिर बात करें कांग्रेस की, क्योंकि दोनों लगातार अपने अपने दावे करते नजर आ रही हैं। बीजेपी जहां मोदी चेहरे को लेकर फैक्टर बना रही है, वहीं पे इस बार भी मोदी का चेहरा कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। लेकिन तमाम जो जी बताएं, कांग्रेस ने और पेपर लीक है ना, जो पेपर लीक को मुद्दों और कांग्रेस ने खागो राजस्थान का मायने, समझ गया, और राजस्थान का मायने पूरी 25 सीट बीजेपी की आओ ये पेपर लीक की वजह से। क्या जांच एजेंसी पहली भी ही, जांच एजेंसियां पहली भी ही ना, गहलोत जी हर रोजीना भाषण देता है कि हमारी एजेंसी काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है, गिरफ्तार एक ने नहीं करे, हर बच्चा की एक ही रोजीना आत्महत्या कर रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन एक भी पेपर है ना और ये सही तरीके से नहीं करवाए। बीजेपी की गवर्नमेंट मोदी जी जो घोषणा करके गया कि जितना भी पेपर लीक माफिया है सब ने की है कि मतलब गिरफ्तार कराऊंगा, और वो काम साहब ही सरकार में हो रहे, इसलिए की है कि बच्चा है ना ये सरकार से खुश। एक सवाल मेरा ये था कि जैसे ही भजनलाल सरकार सत्ता में आई, उस समय जब विपक्ष में सरकार थी बीजेपी की, तब उन्होंने महिलाओं के मुद्दों की शिक्षा को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर मुद्दा बनाया था, लेकिन जैसे ही सरकार सत्ता में आई, तो जयपुर प्रदेश की राजधानी है वहाँ पे आधा दर्जन धरने शुरू हो गए थे, जिनमें महिलाओं और बेरोजगार युवक और जो एडिशनल शिक्षा विभाग से जो टीचर बनने वाले थे उनका धरना ज्यादा था, क्या कहेंगे आप इस पर? साहब देखो, धरनों तो की एक ही चीज, मान लो हर आदमी ने नौकरी चाहिए, बिगर पढ़ेड़ो अभी ने भी नौकरी चाहिए और जो पढ़ेड़ो अभी ने भी नौकरी चाहिए, तो धरना तो की एक ही देने की कोई बात नहीं, हर आदमी को हक है जो वो अपनों अपनों धरनों दे सके। लेकिन मेन मुद्दों कांग्रेस साफ होने को यही है कि या पेपर लीक, आज कितना ऐसा ही गिरफ्तार हुए हैं साहब, फर्जी ऐसा ही जगह ने लेफ्ट और राइट को नहीं बेरो है, और ऐसा ही बनेगा, जगह ने प्रधानमंत्री को नाम नहीं बेरो है, गृह मंत्री को नाम नहीं बेरो है, और वह ऐसा ही बनेगा साहब, तो पढ़नी है टाबर वे क्या करेगा मुझे बताओ। राजीव गांधी युवा मित्र योजना थी, 5,000 युवा लगे हुए थे, लेकिन जैसे सपनलाल सरकार सत्ता में आई उन्होंने हटा दिया और वो बेघर हो गए। 5,000 नहीं 50,000 की बात कर ले, क्योंकि उनके परिवार भी पीछे पल रहा था उनका, क्या कहेंगे आप? सब बांको मैटर जो है कि जो अपना अपना आदमी लेके और बाने में लगा दिया, समझ गया, अगर मैं कोई वैकेंसी के जरिए लगाया है तो बाने विज्ञप्ति जारी हुई है, इंटरव्यू है नहीं तो विज्ञप्ति जरूर, लेकिन लगाया तो वो आपका ही आदमी है ना, तो आपका आदमी लगा होगा तो निकालेगी गवर्नमेंट, मनमर्जी को कोई भी काम होगा तो बिकमाइन तो की आने वाली गवर्नमेंट निकालेगी। अब कान ले के देगा साहब, मैं इतना ऐसा ही बनाया, इतनी वैकेंसियाँ निकाली, इतना थानेदार बनाया और इतना मास्टर बनाया है, और या गवर्नमेंट की आने निकाली तो जो फर्जी बनेगो वो तो निकलेगी, भीम के बुराई। जनता है, पेपर लीक को लेकर कहीं ना कहीं जो इश्यू है वो गहरा रहा है, क्योंकि जब विपक्ष में थी सत्ता में पक्ष में कांग्रेस थी तब भी पेपर लीक का मुद्दा गहराया था, और उस पेपर लीक के मुद्दे को ही मुद्दा बनाकर बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, भारी बहुमत से सत्ता में आई है। एक युवक और, जो क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिल। अनिल जी कहाँ से? मैं तो झुंझुनू से। क्या कहेंगे, पूरी राजनीति हो रही है, लोकसभा चुनाव आ गए, बस अपन तो एक ही चीज को मतलब कि मोदी सरकार आएगी, अच्छा काम करता है, अरोड़ा लगातार दावे कर रहा है। अरे वो तो बेकार है, बेकार है वो, कुछ एमएलए हैं कुछ किया ही नहीं आज तक उसने, ना कुछ बोलता। क्या विकास कार्य नहीं हुआ आपके? कुछ भी नहीं हुआ। पानी की समस्या बिल्कुल है, अभी दस की दस बनी हुई है, अभी तो सुधार हो रहा है। झुंझुनू के अंदर पानी की समस्या सबसे अधिक है, झुंझुनू में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है अपने झुंझुनू क्षेत्र के अंदर, और विकास कार्य बिल्कुल खत्म है झुंझुनू से। विजेंद्र ओला लगातार दावे कर रहे हैं, कोई विजेंद्र आपके सामने भी कांग्रेसी आए थे, कोई भी आए हो, मैं ये नहीं कहता विजेंद्र का और शुभकर्ण का,
मैं रियली ये कहता हूँ कि झुंझुनू जिले में कोई विकास नहीं है, कोई ऐसा रोड मैप नहीं है, कोई ऐसा पुल नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है झुंझुनू में, सरकारी यूनिवर्सिटी अभी तक झुंझुनू में नहीं है। विजेंद्र ओला लगातार MLA रहे हैं, तो उन्होंने कुछ विकास कार्य नहीं करवाए? कोई विकास कार्य नहीं है, बिल्कुल से कोई विकास कार्य नहीं है। एक जातिवाद विशेष करके, एक समुदाय विशेष करके वो चुनाव जीत रहे हैं, ऐसी कोई बात बार भी चांस बन रहे हैं? नो, बीजेपी बिल्कुल बीजेपी कितने वोट? अब ये नहीं कहते हम लगभग, अच्छा ये नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते कि विकास तो झुंझुनू बीजेपी भी नहीं किया अभी तक। यूनिवर्सिटी नहीं है झुंझुनू में, सबसे बड़ी समस्या पानी की, सबसे बड़ी समस्या है झुंझुनू के अंदर। आप रह रहे के वापस आ रहे हैं, बता दीजिए। क्या मैं तो इनकी सुन रहा हूँ ना, क्या बोल रहे हैं कि क्या करें? कहा है कि बीजेपी आएगी, 10 साल से बीजेपी है MP सीट में, झुंझुनू में क्या दिया है? 400 पर कांग्रेस ने, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। अब 10 साल से तो मोदी जी की सरकार है, मोदी जी के MP है झुंझुनू में, क्या दिया है? विजेंद्र ओड़ा के लिए उन्होंने आरोप लगाया कि कोई विकास कार्य नहीं करवाया, झुंझुनू में यूनिवर्सिटी चाहिए, पेयजल समझ जस की तस बनी है, शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं। जी विजेंद्र ओला के लिए उन्होंने किया है, चलो कुछ किया है कुछ नहीं किया है वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन आने झुंझुनू की फिलहाल की जो पोजीशन है, मैं झुंझुनू की पोजीशन बता रहा हूँ, झुंझुनू के अंदर फिलहाल जो पोजीशन है, जो कैंडिडेट है हमारे बीजेपी के सुब्रण जी और जो विजेंद्र जी हैं, उनका देखते हुए कैंडिडेट विजेंद्र जी ही यहाँ पर जीत के हकदार हैं, जो विजेंद्र जी ही जीतेंगे, क्योंकि सुब्रण जी अपने विधायक क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से भी वो हारे हैं, और विधानसभा क्षेत्र से हार के भी उन्होंने जो पिछली बार उन्होंने किया था वोटर फैक्टर पड़ेगा, इस फैक्टर पड़ेगा उनका, इसलिए मैं कह रहा हूँ विजेंद्र जी 2 से 2.5 लाख के बीच में जीतेंगे। ये झुंझुनू को विकास नहीं करने देंगे, चाहे कैसे भी चल लो करना है इसको, ये एक समुदाय विशेष को ये मुद्दा लेके विजेंद्र को जिताते हैं, ऐसे ही बीजेपी नहीं चाहती कि ठीक है ये जीत रहे हैं, अपने काम नहीं करने पड़ेगा, इसलिए झुंझुनू का विकास नहीं हो रहा, न यूनिवर्सिटी, न पानी की व्यवस्था झुंझुनू में, न एयर की, न पीने की। सबसे दिक्कत यही है झुंझुनू के अंदर, एक पुल था अभी तक वो, आप ये कह रहे हैं विधायक है 15 साल से, मैं भी स्वागत करता हूँ, विधायक है वो 15 साल से, एक पुल था झुंझुनू के अंदर अभी तक वो भी नहीं बना। हाँ सही है, कह रहे हैं नहीं हुआ कुछ विकास नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ ना दावे क्यों कर रहे हैं, दावे ये कर रहे हैं कि झुंझुनू की जो पोजीशन है, पब्लिक की जो पोजीशन है, पब्लिक जो चाहती है, अब पिछली बार उन्होंने ये विधायक के चुनाव में भांबू को जो टिकट मिलने वाला था, राजेंद्र भांबू को, उन्होंने उनको टिकट नहीं दिया, गलत सबसे बड़ी गलती की थी बीजेपी ने, अगर भांबू को टिकट मिलती तो विजेंद्र का कोई मैटर ही नहीं होता, जीतता ही नहीं। साहब टिकट देने को काम कुछ जो नहीं है कि मतलब एक ही एक आदमी टिकट मिले, टिकट मिलने को सबको अधिकार है, जो काम कांग्रेस को है कि पहली बाप प्रधानमंत्री बन गो, बाद में बेटो बन गो, बाद में वो बनगी वो बन गो, तो जो काम किएगी कोई जरूरी नहीं है। आई समझ में, आज भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री बना दियो, क्या गुना कर दियो साहब, कोई गुना है? प्रधानमंत्री मोदी को श्रद्धांजलि दे दी, देखो गलती से तो क्या आएगी, ये भी देते हैं नहीं, वो तो गलती से तो राहुल गांधी जी तो पता नहीं है क्या क्या बोलते हैं। कौन? राहुल गांधी जी, प्रधानमंत्री मोदी ने भी पप्पू कहा राहुल गांधी को, किस सदन में, किसको? राहुल गांधी, पूरी जनता ही बोल रही है उनका, उनसे छोटा है, उनसे बच्चा है वो, तो पार्टी तुम्हें पप्पू का लहजा अलग था बात करने का, हमारे राजशेखावाटी भाषा में ज्यादा भी बोला गया है। नहीं नहीं, पप्पू को बहुत अच्छा मानते हैं छोटे बच्चे को, हाँ बेटा पप्पू आजा, सोशल मीडिया पे अलग चल रहा है उनका, वो अलग बात है। हमारे शेखावाटी तो पप्पू बच्चे को बहुत प्यार से कहते हैं, अच्छा मानते हैं उनको कि अपने से छोटा है, आजा पप्पू, ये पैर चोट कहते हैं। पप्पू की हवा बनी हुई है ना राहुल गांधी के लिए, वो कहने के नेगेटिव जा रही है उनके लिए, गलत है पप्पू बोलना, गलत है, लेकिन हमारे यहाँ पप्पू बोलना कोई गलत नहीं, हम तो छोटे बच्चे को पप्पू बोलते हैं। शहजादा भी कहा है मोदी ने राहुल गांधी को, तो साहब राहुल गांधी जी भी बहुत कुछ बोलते हैं, कांग्रेस के शहजादे हैं, तो मुगलों का बता दिया उन्होंने, शहजादा मुगलों का शब्द है? नहीं नहीं, मुगल बता दिया, अब मान लीजिए सुना नहीं है, और पूरे राजस्थान में 25 सीट आएगी बीजेपी की, उसमें कोई दोराय नहीं है, और सबसे ज्यादा एक ही मुद्दा रहा है जो है बच्चों वाला, परीक्षा वाला, इसीलिए बीजेपी आएगी। मैं कुछ नहीं कहूँगा, नहीं मेरे 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 से हमारा बच्चा नहीं लगा, हमारा बच्चा तैयारी कर रहा है, हमारे बच्चे का नुकसान हुआ है, इनके बच्चे का नुकसान नहीं हुआ, इनके बच्चे लग गए नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, अभी मैंने से लगे हैं, लेकिन पेपर लीक तो अभी हुए हैं ना, हमारे बच्चे की जो परीक्षा दे रहे थे तब पेपर लीक हुआ है, मेरा बच्चा स्वयं का सेकंड ग्रेड का पेपर दिया, पेपर कैंसिल हो गए, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये, बच्चा ने पढ़ा में ब्याज पे पीछा ले लेके एक एक दिन मांगे लिए बहुत मुश्किल, एक एक दिन
कि मेरे बच्चों ही वैकेंसी मिला गए मेरे बच्चों ही वैकेंसी मिला गए मेरे बच्चों ही वैकेंसी मिला गए और कर्जा ले वो करें और लास्ट में कि एक ही रिजल्ट आवे बच्चा ने पूछे हाँ ठीक है पापा आपकी बार हो जाओ आंसर की मिला लास्ट में नॉर्मलाइजेशन कर दिया गहलोत जी ने साहब गहलोत जी ने बूझो कि जो बच्चों पढ़ेड़ो नहीं है बी ने तो नंबर दे दिया और जो मैं आड़ू हूँ बी का काट के पढ़े लिखे दे दिया और पढ़े लिखे का बिन दे दिया तो ये नॉर्मलाइजेशन और ये चक्कर के चलाया गया लोग जी इस बार लगातार बीजेपी आई है इस बार नहीं है आजीवन ही बीजेपी रहेगी इस बार ही नहीं मोदी ने 2047 का नारा दिया है 2047 का नहीं मोदी जी तो अपनी कुर्सी पे रहेंगे आज वर्ल्ड के लिए इतना अच्छा काम किया कोई प्रधानमंत्री इतने वर्षों के अंदर कभी भी विदेश के अंदर अपने देश की इतनी इज्जत हुई पाकिस्तान से कोई आदमी अपना चला गया वो जिंदा वापस आया वो आया ना वो पायलट आया था ना उसको लेके आया अभी वो कौन सी जगह ही रे बा जो अपना अधिकारी बड़े से आया है आठ अधिकारी बड़े से आया जो माने कि यही फांसी की सजा वो सुना दी गई कतर से वो किसकी छूट पर के कौन के, कौन छुटवा के लाया किससे किससे कौन ले गया ये भी पता है आपको है? आप बताओ कौन आपने नरेंद्र मोदी ने पहले फरमाइश से वहाँ लगाई थी अर्जी लेकिन वो नहीं आए थे फिर अपने हॉलीवुड या बॉलीवुड के जो कलाकार हैं शाहरुख खान वो जाके वहाँ से उनको लेके आए और या मीडिया के अंदर देख लेना और पढ़ लेना सुनो शाहरुख खान चलो मैं इनकी बात मान लूं मैं इनकी बात कतर से वो लेके आए उनको बात मान रहा हूँ कि शाहरुख खान जी उनको लेके आ गए चलो इनकी बात मानते नाम तो किसका होगा नाम किसका होगा आपके घर के अंदर कोई भी खाने पीने का कोई भी सामान जा रहा है तो आपका ही तो नाम होगा ना तो नाम तो ये भी है कि आर्मी में लड़ा फौज मरा फौज नाम हो जनरल को कर्नल को किसको कर्नल को नाम नहीं वो तो नहीं है ऐसी बात तो नहीं है फौज तो लड़ेगी तो वो तो बड़े अधिकारी है तो वो तो क्या है कि आगे भी रहेंगे पीछे भी रहेंगे उनका तो काम ही और फौज तो लड़ेगी जम्मू कश्मीर वाले हैं तो उनको देख लो कि जो बच्चा फौज के अंदर जा रहा है पहले तो क्या है कि वो पत्थर खाएगा तनखा लेगा उसके बाद क्या आएगी कोई आपदा आएगी तो उसको गोद में बिठा के क्या आएगी वो सेफ्टी में छोड़ेगा तो वो काम गलत किया वो काम गलत है या सही है तो साहब मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया और आगे के लिए बहुत अच्छा काम किया है जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल के है और है जो भी काम है वो बहुत बढ़िया काम किया मोदी और हम क्या है कि कांग्रेस का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं और मोदी जी की बननी चाहिए क्योंकि ये पानी मुद्दा और बिजली मुद्दा फ्री का मुद्दा नहीं है मुद्दा है देश का और मोदी जी सही असलियत में प्रधानमंत्री है आज तक ना तो ऐसा प्रधानमंत्री आया और ना भविष्य में आएगा और मैं तो कह रहा हूँ ये सब ऑनलाइन काम होना चाहिए ये फर्जीवाड़ा बंद होना चाहिए एक एक आदमी को टिकट दे देते हैं वो ही जीतता क्यों हर आदमी का अधिकार है चाहे वार्ड का चुनाव हो चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो और ये फ्री की समस्या ना ये सब बंद होनी चाहिए फ्री का खाएंगे और गाड़ देंगे मोदी जी को क्यों आज फ्री मोदी जी घर घर में जाके कोई नाज वगैरह फ्री सब कुछ नहीं करेगा अपने हाथ दिए कमाओ और हमेशा ना बीजेपी आएगी और बीजेपी आनी चाहिए अब देख लो देश का क्या सब देख लो आप ही देखो आप ही देखो राम मंदिर का भी मुद्दा हाँ 370 का भी मुद्दा है आज पूरे देश में मोदी जी का नाम है कोई कारण तो होगा ना आप भी मानते हो कोई तो खूबी है उनमें जब ही नाम है और गाली को सब मोदी जी को गाली देते हैं और नाम बदनाम करते हैं ये तो मानते हो आपकी गाली कहीं ना कहीं खा रहे हैं मोदी जी हाँ तो खा रहे हैं तो उनके क्या फर्क है भगवान को भी हम गाली देते हैं हर किसी को गाली देते हैं उनके क्या उनको तो बढ़िया हो रहा है पाची को बढ़िया हो रहा है उनके तो फायदा हो रहा है उनके तो फायदा हो रहा है सर मैं तो कह रही हूँ फ्री का मुद्दा बंद करना चाहिए और सब ऑनलाइन काम होना चाहिए और मैं तो कहता हूँ सरकारी नौकरी भी बंद कर दो फिर क्या है प्राइवेट में दे दो सब कमा के खाएंगे यही कर रहे हैं आज 20-20 साल के नौजवान लड़के तो घर बैठे हैं और 70-70 साल के नौकरी से रिटायर होने के बाद में भी कमा के खा रहे हैं क्यों आप बताओ मेरे को क्यों उनको वापस ले लेते हैं ये फर्जीवाड़ा है सर अपने बलबूते पे चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे कोई हो सबको नौकरी का अधिकार है आज कहीं यूनिट कहीं दिल्ली में फ्री दे दी कहीं राजस्थान में फ्री दे दी क्यों ना तो बिजली फ्री दो ना राशन फ्री दो और सब कुछ फ्री बंद करो सब ठीक है 2 रुपए 5 रुपए जो भी हो उनका मतलब
सरकार के हिसाब से सस्ता करो, फ्री का हिसाब बंद करो, सारा दिन फ्री लेंगे, गाल काटेंगे मोदी जी को, ये गलत बात है सर। और मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार मोदी जी की आएगी, मोदी जी की आनी चाहिए। समान है ना, ये टोटल बंद कर दे। गहलोत जी ने मोबाइल बांटे, क्यों बांटे? अब ये घाटा बीजेपी सरकार भुगतेगी, मैं कह रहा हूँ। बीजेपी सरकार नहीं भुगतेगी, पब्लिक भुगतेगी। पब्लिक भुगतेगी, पब्लिक भुगतेगी, बीजेपी सरकार कोई नहीं भुगतेगी। पब्लिक भुगतेगी, सरकार कोई नहीं है जो अपना ऊपर लेती है सरकार का, फ्री का क्या लगा उनका? फ्री का सामान, जनता का पैसा है, जनता का ही है सारा काम। ये मुद्दे तो चलते रहेंगे, लेकिन मेन मुद्दा होता है हाई लेवल का, वो देखना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज फौजियों को कितनों बड़ी सुरक्षा मिल रही है, सारा काम बढ़िया। अग्निवीर योजना का भी कहीं विरोध हो रहा है, अग्निवीर में 5 साल में घर आ जाओ वापस फौजी, तो कोई न कोई कारण होगा। अग्निवीर अग्नि अग्नि आपने आर्मी की बात की है, फौजियों की बात की है, इसलिए मैं बाकी सवाल कर रहा हूँ। अग्निवीर योजना का नियम है कि 4 से 5 साल उनको नौकरी देंगे, उसके बाद घर आ जाओ। अगर 5 साल में मर गया तो बाद में और नौकरी मिल जाएगी उनको, इसको मिल जाएगी कोई कौन सा। तो ये सब मुद्दे इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मैं तो कह रही हूँ फ्री वगैरह राशन सब बंद। आपने आर्मी का तो आर्मियों को मतलब बढ़िया, पहले उनके पास मतलब कपड़े मान लो, ड्रेस के लिए मान लो, हथियार के मामले में मान लो, और कुछ मामले में वो तो सब बढ़िया हो रहा है ना। अग्निवीर भी कहीं ना कहीं दिक्कत कर रही है कि आज मैं अगर फौज में भर्ती होता हूँ आपका बच्चा। सर मेरे बच्चे ना तो सरकारी नौकरी में है ना, मैं ये कह रहा इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार है, मोदी जी अच्छे आदमी है और वो आने चाहिए, और ये फ्री के मुद्दे आना चाहे कहीं भी हो सब बंद करना चाहिए। साहब अग्निवीर का मैं तो किया है कि 4 साल की नौकरी है, शायद 4 साल की है ना अग्निवीर में, 4 साल बाद में 11 लाख रुपया यह भी घोषणा है, खत्म होने के बाद में 1 करोड़ रुपया यह भी है शायद, सुनिए मैं। पर आदमी नहीं रहेगा तो करोड़ रुपया क्या करेगा आदमी, इससे क्या मतलब नहीं। तो साहब की पहले 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 एंट्री होती थी फौजी की, तब तब वो एंड तक सर्विस करता था, उसके बाद रिटायरमेंट आता था, लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति अलग है। तो साहब फौजी की यह भी है कि मतलब पहले तो बढ़े नो सर्विस करो, बड़े से 1 करोड़ रुपया ले आओ, फिर उरा आके और उन्हें की एक भी कोटे का मायने और दूसरी सर्विस देवे तो यो भी सही है कि के बंद होगा, कौन सा बंद होगा, के बंद होगा। 4 साल नौकरी करने के बाद में साहब दूसरे बच्चे ने मौका मिलेगा, यह कोई बात नहीं है कि सभी ने मोदी जी बाहर निकाल रहे हैं, अग्निवीर ने सभी ने बाहर नहीं निकाल रहे हैं, 50% आदमी है जो बाहर रख रहे हैं, सबने थोड़ी निकाल रहे हैं, बिल्कुल कौन निकाल रहे, जो काबिले हो गो जी का मायने अच्छी मतलब की उन्हें रखेगा, वो जरूर थोड़ी है उनमें कोई कांग्रेस बीजेपी को नहीं। लेकिन आज जो की है कि आपने मतलब बॉर्डर पर जितना भी फौजी है वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल खुश है। हाँ पार्टी से हमारे को कोई मतलब नहीं है, कोई जीते कोई भी हारे, लेकिन झुंझुनू का विकास कुछ नहीं है। कैसे कुछ विकास नहीं हुआ कोई विशेष? एक न तो ये पानी की सुविधा है कोई, नहीं यूनिवर्सिटी की है, नहीं कोई कुछ भी सुविधा नहीं है। राशन राशन भेजते हैं, फ्री का खाते हैं, फ्री का भी खाने वाले बहुत हैं और वैसे कमा के खाने वाले भी बहुत हैं। झुंझुनू का विकास नहीं है कुछ भी। इस बार कौन लगता है कौन जीतेगा? ये किस्मत वाला जीतेगा, मोदी जीतेगा, जनता जिताएगी। हाँ जनता जिताएगी, वो जीतेगा। आपका वोट किधर जाना? मेरा वोट उस टाइम पर निष्कर्ष करूँगा, जहाँ जाऊँगा ना उस बूथ पे, वो उस पे मैं नहीं तो। मैं किस प्रकार देखते हैं क्षेत्र ने किया कि थोड़ा सा जातिवाद ज़्यादा खा रही है, सो है जातिवाद ज़्यादा आ रही है। अब जहाँ थे चूरू क्षेत्र देख लियो, आज चुनाव बना रखे हो राजेंद्र राठौड़ जी और जाटा को चुनाव बना रखे है, और जबकि वो श्याम ने भी है झांझड़िया जी वह जाट को नहीं गए, लेकिन चुनाव जातिवाद को कर रखी है ये कोई बात और कसो भी जाट है जी और कसो भी नहीं जाट है तो टिकट कट गई कोई बन गई कोई पलड़े थोड़ी बन रही है भाई जी। आज 35 साल होगी बनाने राज करता, कोई नया ना भी मौको दो जो जनता के बीच में रहे। मैं तो बीजेपी का आदमी हाँ जी, और वोट बीजेपी नहीं देंगा, और जय श्री राम मोदी जी जिंदाबाद, बस काम तो है यो। बाकी जातिवाद है ना यो खारियो माना है, यो नहीं होना चाहिए। आज बैठे उरे को तो छोटो थे, उरे तो यो मुद्दो को नहीं, बाकी आज चोरू जिले में थे जाओ, खाली राजेंद्र राठौड़ जी और जाटा को चुनाव कर रखियो है, ये कोई तरीका थोड़ी हो है। हार भी चुके नहीं राजेंद्र जी तो खैर अब दो खड़ा होगा भी, मैं एक हारे को एक जीतक और चुनाव हारे को नहीं, राजेंद्र जी ने हरवाए गए चुनाव। कैसे अब वो तो देखो राजनीतिक लोगों ने पूछोगा तो भी चीज को विवरण देगा थाने में, तो कह देगा
बीजेपी ने से भी बीजेपी जीतेगी साहब। झुंझुनू में बीजेपी में पूरण चौधरी कितने वोटों से मतलब अब कितना मोटा वोटा से विजय होगा या तो जनता करवाओगी ही कितना वोटा से जिताओगी। बाकी शुभकरण जी चौधरी जीतेगा चुनाव पर हमें कोई फर्क नहीं है। बीजेपी पार्टी और माने शुभकरण जी सर और से मतलब को नहीं, मैं तो पार्टी का आदमी है, मैं तो बीजेपी का आदमी है, मान तो बीजेपी से मतलब है नेता से। बाकी मैं चोरू मेरे मार्केटिंग को काम है, चोरू जिले में भी घूमू हूँ। एक बात बोल दी जाए आपके लिए कि अगर किसी अनपढ़ व्यक्ति को जो आड़ू है उसको टिकट दे दिया जाए बीजेपी तभी वोट वहीं पर जाएगा आपका? बिल्कुल बिल्कुल वोट विकास देंगे। नहीं 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 आइया बीजेपी आपने कहा तो नहीं भाई साहब बीजेपी टिकट देखो ना तो आइया भाई तो कुछ सोच कर टिकट दे। ठीक है वो बात की बातें हैं, टिकट सोच समझ के दी जाती है, लेकिन आपने कहा कि बीजेपी के नाम पे हम वोट देंगे चाहे कोई शुभकरण हो कोई भी। भाई साहब शुभकरण जी भी गद्दावर नेता है, कोई यही थोड़ी है कोई नेतागिरी कमजोर थोड़ी है बनागी भाई साहब है। एमएलए चुनाव हार चुके भाई, देखो ये कोई बात को नहीं हुआ है विधानसभा में सपोर्ट नहीं मिला। देखो बा कोई बात को नहीं हुआ है, विधानसभा क्षेत्र एक अलग बात है, लोकसभा बड़ो बड़ो क्षेत्र है, वो फर्क पड़े है अभी बात को यहाँ की कोई बात को नहीं। और चुनाव हार जीत होती रहे है, शुभकरण जी भी कहे की गद्दावर कहने का शुभकरण जी हार सकते हैं? नहीं नहीं शुभकरण जी कोई हालत में चुनाव को नहीं हारेगा यार, लोग रोड़ो तो चूरू को भी ला रखियो, झुंझुनू को भी ला रखियो, सिकर को भी ला रखियो, तीनों सीट आवेगी भाई जी। तो ये जनता जनार्दन है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की, झुंझुनू शहर में हम खड़े हैं हाल फिलहाल, और वो चौराहा है गांधी चौक पे खड़े, वो चौराहा है यहाँ पे जहाँ पे एक मंडली जमती है, सुबह से शाम तक लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं और अपनी अपनी तन मन की बात करते हैं। तमाम जो यहाँ पे कार्यकर्ता है या फिर समर्थक है वो उन्होंने का साफ साफ दावा है कि यहाँ पे पलड़ा जो है बीजेपी का भारी रहने वाला। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने एक दूसरे के चुनाव फाइट कर पाती हैं, कौन जीतता है कौन हारता है वो जनता जनार्दन पर छोड़ते हैं। सहयोग कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास के साथ संदीप अग्रवाल द नगरी मीडिया जयपुर।